कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से, धरू तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, इनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए अब हम शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। तिल स्नान करने, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान करने के इस छह प्रकार से तिल के उपयोग को ही षट तिला एकादशी कहा गया है। इस तरह एकादशी के दिन तिल का छह प्रकार से प्रयोग करने से मनुष्य के छह प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, भ्रमघाती, परस्त्रीगामी, गोहत्या जैसे पापों से भी वह छूट जाता है। पद्म पुराण के अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अग्निष्टो व्रत करने जितना फल मिल जाता है। इस दिन तिलों का दान करने से कई अश्वमेघ और असूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। हजारों वर्ष तक तपस्या करने व सहस्त्र गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल शक्तिला एकादशी के दिन उपवास करने से ही मिल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और 12 साल तक गंगा स्नान करने से मिलता है वही पुण्य शक्तिला एकादशी के दिन मात्र उपवास रखने और शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। शक्तिला एकादशी के दिन काले तिल और सफेद तिल मिश्रित लड्डुओं का दान करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए शनिदेव ने काले तिल से पूजा करी थी। इससे सूर्य देवता का क्रोध शांत हो गया था। मनुष्य को शक्तिला एकादशी के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जो मनुष्य शक्तिला एकादशी के दिन तिल से बने व्यंजन ब्राह्मणों को भोजन में कराते हैं उन्हें सुमेरु पर्वत के समान अन्न, धन और कुबेर के समान खजाना मिलता है। शक्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति शक्तिला एकादशी के दिन व्रत उपवास पूजन के साथ गरीबों को तिल का दान करते हैं तो उन्हें गोदान करने जितना फल मिल जाता है। शक्तिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से मनुष्य का पितृ दोष शांत हो जाता है। तिल दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल दान करने से मनुष्य को अगले कई जन्मों तक दुख नहीं उठाना पड़ता। तिल दान करने से दुर्भाग्य व दरिद्रता दोनों का नाश हो जाता है। तिल सभी धान्यों में पवित्र धान्य है। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल का हवन करने, तिल का तर्पण करने, तिल का भोजन करने या तिल का दान करना सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य शक्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करते हैं उनकी सभी गलतियां, उनके सभी पाप भगवान विष्णु हर लेते हैं। शक्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। काले तिल का दान सभी दानों में शुभ फल देने वाला बताया गया है। पितरों, देवताओं और ऋषि मुनियों को काले तिल का तर्पण करने से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। काले तिल और कुशा से पितरों को तर्पण करने से पितरों को बैकुंठ का वास मिलता है। कहते हैं तिल भगवान के पसीने से और कुशा रोम से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। तिल को देव धान्य कहा गया है। तिल बिना श्राद्ध कर्म अधूरा होता है। मान्यता है कि तिल का दान सोने के दान के बराबर फल देता है। बिना तिल के पितर जल ग्रहण नहीं करते। माघ मास में किसी भी चीज का दान करें लेकिन तिल हाथ में जरूर रखें, इससे दान सफल अक्षय फल देता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करने के पीछे ये मान्यता है कि काले तिल को देवताओं का धान्य कहा गया है और जल को मुक्ति का साधन बताया है। शास्त्रों में मान्यता है कि काले तिल की एक मुट्ठी दान करने से 100 किलो सोना दान करने जितना फल दे देता है, इसलिए
जल के साथ काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। अगर कुंडली में पितृ दोष है तो अमावस्या के दिन पितरों को काले तिल से तर्पण देने से पितृ दोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या को सरसों का तेल, तिल, चावल, जूता, छाता, चने की दाल, उड़द की दाल, अन्न, वस्त्र, कंबल और तराजू दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराने में काले तिल का व्यंजन जरूर परोसना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर होता है, घर की गरीबी का नाश होता है और सात जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो भगवान की प्रिय एकादशी के दिन उपवास नहीं करते वे रूरव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो विष्णु भक्त हरि दिन अर्थात हरि वासर के दिन उपवास नहीं रखता, अन्न खाता है, वह अगले जन्म में पिशाच की योनि में पैदा होता है। हजार शिव व्रत और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से जो फल प्राप्त होता है वही फल हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन उपवास रखने से ही मिल जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जब तक एकादशी तिथि नहीं आती तभी तक ब्राह्मी और सांगरी तिथि गर्भ करती है। जब तक चंद्र उदय नहीं होता तभी तक तारोगणों का प्रभुत्व होता है। इसलिए जब तक एकादशी तिथि नहीं आती तभी तक अन्य तिथियों का प्रभाव होता है। जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न हो उस राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए, चाहे वन में या तीर्थ में ही जाकर क्यों न रहना पड़े। ऐ वैष्णव राजा के राज्य में रहने से घोर पाप का फल मिलता है। जैसे नेत्रहीन, देह पतिहीन स्त्रियां माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पंखहीन पक्षी दान पाने के लालच से वेद पढ़ाने वाला महात्मा धन के लिए पुण्य करने वाला व्यक्ति व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव रहित राजा का राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, स्वर्ण चोरी करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण गामी शुद्र धर्म से हीन ब्राह्मण व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव के राजा का राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे मंत्रहीन आहुति केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव के राजा का राष्ट्र व्यर्थ है। जो व्यक्ति भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, एकादशी के दिन उपवास रखता है वही श्रेष्ठ राजा है, उसी का राष्ट्र नित्य बढ़ता है, वही प्रजा के साथ सुखी रहता है। जहाँ पर वैष्णव रहते हैं अगर वे किसी पापी को देख ले या स्पर्श कर ले तो वह पापी मनुष्य अपने सात जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घंटा नाद करता है उसके पुण्य के फल को अब हम सुनेंगे। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घंटा नाद करता है वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष पर्यंत और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत तक अप्सरागणों से सेवित होकर कोटि देवी देवताओं से पूजनीय और वंदनीय होता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमयी और समस्त देवतामयी है, अर्थात घंटा में समस्त वाद्य और देवता विद्यमान होते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घंटा नाद करके विष्णु भगवान की आरती करता है वह शत कोटि यज्ञ के पुण्य को पाता है। इसलिए मनुष्य को एकादशी के दिन विष्णु भगवान के आगे घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह हजार मनवंतर वर्ष पर्यंत और असंख्य मनवंतर वर्ष पर्यंत पुत्र पोत्र धन सुख से युक्त हमेशा सुख पाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि शंख नाद और घंटा नाद मुझे हमेशा प्रिय है और एकादशी के दिन तो यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो मनुष्य मृदंग, शंख नाद और घंटा ध्वनि के वाद्यों को बजाकर मेरे सामने उच्च स्वर में भजन गाते हैं वे मुझे अक्सर प्रिय होते हैं। वह मनुष्य इस संसार में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को ही पाते हैं।
भगवान विष्णु ने एक बार ब्रह्मा जी से स्वयं कहा था कि हे ब्रह्मा, जो मेरे सामने एकादशी के दिन गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थापित करता है, मैं उसके पापों को हर लेता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्म के संचित पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। जो गरुड़ के ऊपर स्थित शंख चक्र गदा पद्म से युक्त लक्ष्मी युक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे लोग तीर्थ देवता दर्शन यज्ञ व्रत दान और उपवास व तीर्थ आदि का फल पा लेते हैं। जो कलयुग में गरुड़ के ऊपर भगवान नारायण की मूर्ति को स्थापित करते हैं, वे लोग कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तक इस संसार के सुखों को भोग कर मरने के बाद परम पद को पाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं, वे सहस्त्र कोटि तीर्थ और मरने के बाद देवताओं के लोक में वास करते हैं। जो एकादशी की रात्रि को गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं, वे धन्य हैं, पूजन करते हैं, गान और नृत्य करते हैं। अगर उनके पितर नरक में भी पड़े हों तो वे नरक से छूट जाते हैं और स्वर्ग में जाकर सुधा का पान करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जहाँ पर एकादशी के दिन घंटा नाद होता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जो एकादशी के दिन आरती के समय घंटे को बजाते हैं, वे 10,000 यज्ञ गोदान और चंद्रायन व्रत के फल के भागी होते हैं। एकादशी के दिन घंटा नाद के साथ की गई विधिवत पूजा से भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। गरुड़ से चिन्हित और चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश कर देती है। गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जैसे निर्धन लक्ष्मी को देख कर प्रसन्न होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घंटा नाद की ध्वनि को करता है, उसके उसी क्षण समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह घंटा नाद देवताओं को, रुद्रों को और पितरों को उत्सव मनाने जैसा होता है। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उस घर में सर्पों का कभी भय नहीं रहता। अग्नि और विद्युत का भय भी उन्हें कभी नहीं सताता। जिसके घर में भगवान विष्णु के सामने घंटा और शंख नहीं होता, वह भगवान विष्णु का प्रिय भक्त कभी भी नहीं हो सकता। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्य ऋषि से पूछा था कि हे ब्राह्मण देव, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति को देख कर डाह और ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें नरक का वास नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, पता नहीं कौन से देवी देवता का पूजन करते हैं जो उन्हें नरक के दुख नहीं देखने पड़ते। हे देव, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। इस पर पुलस्य ऋषि बोले कि हे महानुभाव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को माघ स्नान करने से शुद्धता मिलती है। इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि को त्याग कर भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिला करके कंडे बनाने चाहिए और इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करके नियम को धारण करना चाहिए। स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करने का विधान है। पेठा नारियल सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नामों का जाप करना चाहिए।
और बोलना चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस आज्ञा को स्वीकार कीजिए। उसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए, ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना चाहिए। आज के दिन तिल का दान और तिल का स्नान करना श्रेष्ठ बताया गया है, अतः मनुष्य को तिल दान आज के दिन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष पर्यंत तक स्वर्ग में आनंद सुख भोगता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, यही षट तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसमें अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एकादशी का यह पुण्य बताया गया है। तब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण भगवान, कृपा करके आप आज मुझे षटतिला एकादशी की कथा को सुनाइए। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, वे ध्यान से सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को षटतिला एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाई, वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी, वह सदैव व्रत और उपवास करती थी। एक समय वह माघ मास में एक महीने तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हीन क्षीण हो गया। उसके शरीर में मांस खत्म हो गया, उसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां रह गई। परंतु उसने कभी भी देवताओं, ब्राह्मणों, गरीबों को धन और अन्य वस्त्र का दान नहीं किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत तो बहुत करे, इससे इसने अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसको तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास अन्न दान मांगने के लिए पहुंच गए। भगवान कृष्ण ब्राह्मणी की झोपड़ी के पास गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से ब्राह्मणी बोली कि दरवाजे पर कौन आया है। तब भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में थे वे ब्राह्मणी से बोले कि अरे बुढ़िया माई, मुझे भिक्षा चाहिए। तब उस बुढ़िया माई ने एक मिट्टी का पिंड बनाया और भगवान कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण मिट्टी का पिंड पाकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और उस पिंड को लेकर वापस गोलोक में आ गए। कुछ समय बीतने के बाद उस ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया और वह स्वर्ग में आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को सभी वस्तुओं से शून्य पाया। तब वह ब्राह्मणी भगवान कृष्ण के पास गई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए, पूजा करी, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत और उपवास किए, लेकिन कभी तूने गरीबों, सत्पात ब्राह्मणों को कोई अन्न वस्त्र रुपया दान में नहीं दिया, इसीलिए तू इस घर में वस्तुओं से शून्य है। बुढ़िया माई, तू याद कर, एक बार मैं ब्राह्मण का रूप धरकर तेरे पास अन्न दान मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे मिट्टी का पिंड दान में दिया, इसीलिए तुझे ये आत्मग्रह तो मिला, लेकिन वह वस्तुओं से शून्य है। तब बुढ़िया माई भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके बोली कि हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब आप ही इसका कोई निवारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, षटतिला एकादशी के दिन देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी, तब वे तुमसे दरवाजा खोलने के लिए बोलेगी, तब तक दरवाजा मत खोलना जब तक कि वो तुम्हें षटतिला एकादशी की कहानी और षटतिला एकादशी का महात्म्य न सुना दे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी वापस अपने घर में लौट आई। जब षटतिला एकादशी का दिन आया तो देव स्त्रियां ब्राह्मणी के पास दरवाजा खुलवाने के लिए पहुंची,
लेकिन ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शटतिला एकादशी का महात्म्य है और व्रत कथा मुझे सुनाइए, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगी। तब देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को शटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया और शटतिला एकादशी की कहानी सुनाई। जब बुढ़िया माई ने देव स्त्रियों से शटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनी, उसके बाद उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उसके बाद उस बुढ़िया माई ने अपने आप को एक सुंदर महल नुमा मकान में पाया। जब उसने पहला दरवाजा खोला तो वहां गंगा नदी बह रही थी। बुढ़िया माई ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें ठाकुर जी विद्यमान थे। बुढ़िया माई ने पूरे विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा करी। फिर उसने तीसरा दरवाजा खोला तो वहां 56 भोग रखा था। बुढ़िया माई ने 56 भोग का प्रसाद पहले ठाकुर जी को लगाया, फिर खुद खाया। फिर उसने चौथा दरवाजा खोला तो वहां सोने का झूला और सोने का पलंग रखा था। वह कभी सोने के झूले में झूला झूलती तो कभी सोने के पलंग पर सोती। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू सुख से तो है या नहीं? क्या तू यहाँ रहना चाहती है या पुण्य मृत्यु लोक में जाना चाहती है? तो बुढ़िया माई भगवान से बोली कि हे भगवान, मृत्यु लोक में रोग दोष गरीबी घृणा मृत्यु मोह माया लोभ भरा है, मैं पुनः वह नहीं देखना चाहती। मैं तो यही आपके दर्शन पाकर रहना चाहती हूँ। आज हम एकादशी के दिन एक पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए अब हम एकादशी के दिन राजा परीक्षित वाली एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए। शिकार करते करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया तो उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब वे पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें एक जंगल में आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम शमीक ऋषि का था। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि से पीने का पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि जो तपस्या में लीन थे, उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित ने बार बार शमीक ऋषि से पीने का पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि, जिसे बाहर की कोई चीज सुनाई नहीं दे रही थी, उन्होंने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था, वह कलियुग रूपी स्वर्ण ने राजा की बुद्धि को फेर दिया। राजा को लगा कि ऋषि जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा है। राजा को यह अपना अपमान लगा। तब राजा ने अपमान का बदला लेने के लिए, वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वह वापस अपने महल में आ गए। शमीक ऋषि को तो कुछ भी ध्यान नहीं, किंतु जब शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा, तो उन्होंने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि यह हरकत किसने की थी। तो वह ऋषि उसी समय अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए अपने कमंडल में से जल लेकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जा, आज से 7 दिन बाद तुझे तक्षक सांप डस लेगा। कुछ समय के बाद जब शमीक ऋषि तपस्या से उठे और उनको सारा वृतान उनके पुत्र शंगी ऋषि ने बताया, तो शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि वस तुम्हें धैर्य रखना चाहिए था। उस समय राजा परीक्षित से कलियुग ने यह कार्य करवाया था, इसमें राजा का कोई हाथ नहीं था, वह राजा निर्दोष है। तभी शमीक ऋषि ने अपने एक दूत को राजा के पास भेजा कि तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दिया है, आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर आपको डस लेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। उधर राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे और उन्होंने अपना सोने का मुकुट उतारा, तो सोने का मुकुट उतारते ही उनकी बुद्धि सही हो गई, अर्थात कलयुग उनके सिर से उतर गया। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु व उत्तरा के पुत्र व राजा जनमेजी के पिता थे। जैसे ही राजा परीक्षित को अपनी
की हुई हरकत का पता चला तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें सारा दृश्य याद आ गया तो वे बहुत दुख करने लगे। तभी शमिक ऋषि का दूत राजा परीक्षित के पास पहुंचा और दूत ने राजा को नमस्कार करके पूरी बात बताई और कहा कि हे राजन, मुझे शमिक ऋषि ने भेजा है। आपको उनके पुत्र ऋषि कुमार ने शाप दिया है कि आज से 7 दिन बाद आपको तक्षक नाग आकर डस लेगा, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दूत को आदर से बैठाया और कहा कि मुझ जैसे पापी को सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने घोर अपराध किया है। मैंने एक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाला है। मुझे इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार से जाकर के कहना कि उन्होंने ऐसा शाप देकर के मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं उनका आभारी हूँ। उसी समय राजा ने अपना शेष जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए बिताने का निश्चय किया। राजा अपना सारा राजपाट अपना पुत्र जनमेजी को सौंप दिया और जनमेजी का राज्याभिषेक किया और सभी गहने कीमती वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। जब उनके त्याग को सभी ऋषि मुनियों ने सुना तो सभी ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अत्रि ऋषि, ऋषि वशिष्ठ मुनि, चवन ऋषि, परशुराम जी, विश्वामित्र, मैत्रेय ऋषि, अगस्त्य ऋषि, नारद जी, वेदव्यास जी सभी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद सुखदेव जी भी वहां पहुंचे। सुखदेव जी के वहां पहुंचने पर राजा परीक्षित ने और सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनको प्रणाम किया। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी मृत्यु सुगम हो जाए और वह अपने पाप कर्मों से छूट जाए। उसके बाद राजा परीक्षित ने अपने ऊपर बीती हुआ पूरा वृतांत सुखदेव जी को सुनाया और कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, मेरे पास 7 दिन शेष है, कृपया करके आप मुझे ऐसा ज्ञान सुनाइए जिससे कि मेरे पापों का नाश हो सके, मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। एक मरने वाले प्राणी को कौन सी कथा सुननी चाहिए, क्या जप तप करना चाहिए। सभी मुनियों और ऋषियों ने राजा के प्रश्न का साधुवाद किया। तभी सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, तुमने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम्हारा मन भगवत प्रेम में भर जाएगा, मोह माया अज्ञानता दूर भाग जाएगी। मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूँ। तब गंगा के तट पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करना चाहिए, फिर मन को वश में करना चाहिए, कामनाओं का त्याग करना चाहिए, इंद्रियों को नियमित करना चाहिए, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी इन 5 तत्व अहंकार प्रकृति इन 7 पदों से आवृत यह ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। इस तरह राजा परीक्षित ने 7 दिन तक सुखदेव जी से गंगा तट पर भागवत कथा सुनी। उसके बाद राजा परीक्षित वापस अपने महल में आ गए। राजा परीक्षित तक्षक सांप से बचने के लिए 7 मंजिले ऊंचे भवन के ऊपर जाकर के बैठ गए और अपने चारों ओर अच्छे अच्छे सर्प मंत्र ज्ञाता पहरेदारों को बिठा दिया। तक्षक को जब यह मालूम हुआ तो उसे थोड़ी चिंता हुई। तक्षक ने राजा परीक्षित तक जाने का एक उपाय बनाया। तक्षक ने एक सर्प को तपस्वी का रूप बनाकर के राजा परीक्षित के पास कुछ फल भिजवाए। उन फलों में एक फल में खुद तक्षक एक छोटे से कीड़े का रूप बनाकर के बैठ गया। जब वह सर्प रूपी तपस्वी राजा परीक्षित के महल में पहुंचा तो पहरेदारों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। लेकिन जब राजा परीक्षित को पता चला कि कोई तपस्वी उसके लिए फल लाया है तो राजा परीक्षित ने उसे अंदर बुला लिया। उसके बाद सर्प रूपी तपस्वी ने राजा को प्रणाम किया। तब राजा परीक्षित ने अपने एक मंत्री से कहा कि इस तपस्वी से फल लेकर सभी मंत्रियों में बांट दो। तब एक मंत्री ने सभी फल सभी मंत्रियों में बांट दिया के बाद मंत्री ने एक फल राजा परीक्षित को दिया। जैसे ही राजा परीक्षित फल खाने लगे तभी उसमें से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला।
तब राजा परीक्षित ने मंत्रियों से कहा कि सूर्य देव अस्त होने वाले हैं, मुझे तक्षस से अब कोई भय नहीं है, परंतु ऋषि कुमार के शाप की रक्षा तो करनी ही चाहिए, इसलिए इस कीड़े से डसने की विधि मैं पूरी करा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने कीड़े को स्वयं अपने हाथ से उठाकर गले से लगा लिया। परीक्षित के गले से कीड़े का स्पर्श होते ही वह नन्ना सा कीड़ा भयंकर सर्प का रूप ले लिया और वह तक्षक सर्प बनकर राजा परीक्षित को डस लिया। इस तरह राजा परीक्षित को तक्षक सांप ने डस लिया, लेकिन 7 दिन तक मरने से पहले भागवत कथा सुनने से उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसी क्षण वहां एक देव विमान आया जिसमें राजा परीक्षित देव विमान में बैठकर विष्णु दूतों से सम्मानित होकर स्वर्ग को चले गए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। इस तरह शटतिला एकादशी का व्रत करने, महात्म्य सुनने, कथा सुनने और तिल का दान करने से बुढ़िया माई को स्वर्ग का सुख मिला। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए ते तह करो बयान, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में है सदा करहूं तुम वास, रामायण जसु पावन गावही सुनिहे जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावही बिन विराग जप योग, स्वामी मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत हैं तुम सब हमको नाथ, दीन दयाल की विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तोई पिता मोहिलाज, साधक मांगे मांगना प्रभु दीजे मोहि दोई, संत समागम हरि कथा मुझको निस दिन होई, सब कुछ दीना अपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं मैं तो दोनों जोड़ूं हाथ, हरि हरि ओम शिव शिव ओम, हरि हरि ओम।